लॉकडाउन को तत्काल खोल देना चाहिए। लॉकडाउन से बहुत ज़्यादा भुखमरी के हालात देश में हो चुके हैं और योगी जी और मोदी जी दोनों ही एक जहरीले सांप का काम जो है देश में कर रहे हैं। दोनों ही लोगों को डस रहे हैं, मार रहे हैं। कोरोना तो पता नहीं कितने लोगों के साथ क्या करेगा, लेकिन भुखमरी से लाखों लोग मर जाएंगे अगर लॉकडाउन नहीं खुला तो। और ये रसोइयों का जो काम चला रहे हैं ये सब फर्जीवाड़ा है। गरीबों के पास मोबाइल फ़ोन नहीं होते, वो कैसे आपको बताएंगे। तो मेरा एक ही बात कहना है कि लॉकडाउन को तुरंत तत्काल प्रभाव से खोला जाए और सब लोगों को इस आफत से बचाया जाए। महामारी का हवा बनाना कोई बहुत बढ़िया बात नहीं है, इससे देश की इकोनॉमी खराब होती है। तुरंत इसे खोला जाए। नमस्ते, मेरा नाम है कृष्णा और आप देखना शुरू कर चुके हैं diladdu.com। एक कहावत है, थोड़ी पुरानी है मगर यहाँ पे सटीक बैठती है, कि जब काल मनुष्य पे आता है पहले विवेक मर जाता है। बोलना कुछ और चाहिए था, बोल कुछ और गए, और जो बोल गए उस पे ऐसा हाल हुआ कि 14 दिन रिमांड पे चले गए। इस वीडियो में जो आपको नेताजी दिख रहे हैं वो अमरोहा उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष हैं, नाम है सचिन चौधरी। अभी उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन है, पूरी तरह से बंद है और सख्ती से पालन किया जा रहा है लॉकडाउन का, मगर नेताजी माने नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और मोदी जी और योगी जी पर टिप्पणियाँ की, कुछ ऐसी बातें बोल गए जो शायद नहीं बोलना चाहिए था। उन्होंने मोदी जी और योगी जी का तुलना जहरीले सांप से किया और इस बात पे जोर दिया कि लॉकडाउन हटा देना चाहिए। लॉकडाउन हटा क्यों देना चाहिए? क्योंकि ये बेतुकी चीज़ें हैं, इससे सिर्फ खौफ का माहौल पैदा किया जा रहा है। शायद सचिन चौधरी जी को मालूम नहीं है, या वो समाचार नहीं देखते, अमेरिका की हालत नहीं देखते, इटली की हालत नहीं देखते, और अगर देखते हैं तो फिर शायद कांग्रेस में ही कोई दिक्कत है, तभी तो उनके नेता यहाँ तक बयानबाजी करने से नहीं हटते। एक सर्वे की माने तो अगर लॉकडाउन भारत में नहीं होता तो हमारी हालत भी कुछ कम नहीं होती, क्योंकि यहाँ जनसंख्या बहुत ज़्यादा है और अब तक लगभग 10.5 लाख के ऊपर केसेस होते भारत में, मगर ये बात शायद सचिन चौधरी जी को मालूम नहीं चली, या मालूम चली भी तो सोचा थोड़ा फुटेज खा लेते हैं, लॉकडाउन चल रहा है क्या करें घर में बैठ के, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया। अब नतीजा ये हुआ कि उन पर सेक्शन 188 के तहत FIR दर्ज हो गया और 14 दिन के लिए हिरासत में चले गए हैं। कोतवाली नगर क्षेत्र में कल एक वीडियो क्लिप वायरल हुआ जिसमें कि एक सचिन चौधरी नामक व्यक्ति लॉकडाउन के बारे में लोगों को भड़का रहे थे और गलत अफवाहें फैला रहे थे, कुछ अपशब्द भी उन्होंने कहे, जिस पर कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है IPC की धाराओं में, धारा 144 के उल्लंघन का, IT Act का और नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर इनको गिरफ्तार किया गया है। इन्हें जेल भेजा जा रहा है और आगे इसमें विधिक कार्यवाही की जा रही है। आपको इस वीडियो से क्या लगता है और आप क्या समझते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वो तो सबसे पहले कर लें, ताकि हम पहुंच सके आप तक सबसे पहले। जय हिंद, जय भारत।